था। एंड माफिया वहां पे एसएनआरटी के वेव को नॉक करते हुए गॉडल यहां पे बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए नेगल्टोस ने खुद को फोड़ लिया। इंटरेस्टिंग, ये कैसे करते हो, ऐसे तो नहीं होता। पर यस नेगल्टोस यहां पे हील अप हो चुका है। लास्ट पांच टीम 16 लोग बचे हैं, सोल विद थ्री मैन, इनको भी जोन के अंदर जाना होगा। इनके ऊपर स्नाइप्स की टीम बची है, स्मोक्स कमिंग आउट, वी सी अ लॉट ऑफ स्मोक्स कमिंग आउट। मॉर्टल वाइपर नेगल्टोस सर्वाइविंग, मॉर्टल विद वन किल, वाइपर विद टू किल्स, नेगल्टोस विद वन। एंड यहां पे नेगल्टोस मूव इन करते हुए एंड क्रॉन्टन वहां पे स्नाइप्स को नॉक करते हैं, बनेक लुसिफर को किकी नॉक करते हुए। आई थिंक गॉडल इज ऑन अ रोल राइट नाउ। क्या प्यारा स्पॉट मिल गया, सब कुछ बहुत ही बढ़िया मिल गया। एंड दे वुड ट्राई सोल मॉडल वहां पे क्रॉल प्रो को नॉक करते हुए, पीछे से एसएनआरटी का स्ट्राइफ आया, गॉडल के एंटो को नॉक कर दिया, सोल्जर के ब्लाइंड ने वहां पे वाइपर को नॉक किया। सोल यहां पे जोन के अंदर आ चुकी है, वाइपर नॉक है, रेगल्टोस नॉक है, मॉर्टल हील करते हुए रेगल्टोस को। अब रेगल्टोस जाकर वाइपर को हील करेगा, यहां पे रेगल्टोस ने स्पॉट कर लिया ब्लाइंड को एंड अब यहां पे वाइपर को फिनिश ऑफ कर दिया। इट्स अ टू मैन स्क्वाड, सोल इज डाउन टू टू मैन। ब्लाइंड यहां पे बहुत ही प्यारा खेलते हुए, तीनों लोग अलाइव है, प्यारा स्नाइपिंग, प्यारा असॉल्ट का हमें बेहतरीन मिक्सचर देखने को मिल रहा है। एंड यप यहां पे साइको का ब्लाइंड, ब्लाइंड का साइको, इन लोग टीम नेम फर्स्ट रखना चाहिए। एंड गॉडल की वहां पे एसएनआरटी को वाइप आउट करते हुए। गाइस वी आर डाउन टू लास्ट फोर टीम्स, नाइन पीपल अलाइव। एसएनआरटी के दो बंदे, सोल के दो, ब्लाइंड के दो, ब्लाइंड के तीन एंड सांगवान क्रॉल की टीम जो है उसकी दो। अब हमें देखना होगा कि यहां पे कौन सी टीम यहां से चिकन डिनर निकालती है। क्रॉलर्स विद 8 किल्स ऑलरेडी, सोल विद 4 किल्स एंड इनके पास जोन अच्छा है, नॉट बैड। अब क्रॉलर्स को जो जोन के अंदर आना है, आई थिंक इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट, वेरी स्मोक्स कमिंग आउट। सोल इज गोइंग फॉर द पुश बिकॉज दे रियलाइज कि उनको जोन के अंदर जाना है, इट्स नॉट गोना बी इजी फॉर देम अगर उन लोग अंदर नहीं जाए स्मोक्स के लिए, बिकॉज इफ दे वेट अ लॉट तब बहुत गड़बड़ हो जाएगा, तो ज्यादा वेट नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे सोल मॉटर स्नाइप्स को नॉक करते हुए एंड पीछे से, जैसे कि मैंने कहा था क्रॉलर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, पर सांगवान अगर एक नेट करता है तो पूरी की पूरी सोल की टीम फिनिश ऑफ हो सकती है। मॉर्टल यहाँ पे स्पॉट हो चुका है, रैंडम स्प्रे आते हुए ब्लाइंड का, मॉर्टल को हील अप करने की जरूरत है। एंड यहाँ पे मॉर्टल लॉक होता है, मैंने बोला था सोल गलत जगह फंस गई थी, उनके लिए वहां से निकलना वुड हैव बीन अ टास्क। रेगल्टोस यहाँ पे हील बैटल करना चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा, उसको अपने राइट से निकल जाना चाहिए। रेगल्टोस का हील बैटल का आइडिया, आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ इट। आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर रेगल्टोस टू मूव इनसाइड द जोन, ज्यादा टाइम नहीं है, यू कैन इजीली रश इन। सोल मॉर्टल का यहाँ पे स्नाइप्स का किल मिल चुका है, एसएनआरटी के वेव ने वहाँ पे ब्लाइंड को नॉक ऑफ किया। क्रॉल सांगवान यहाँ पे अपने टीम के लिए 4 किल ले चुका है, वेव को स्पॉट किया, सोल ब्लाइंड को नॉक कर चुके हैं एंड यहाँ पे सोल अभी भी सर्वाइव कर रही है। पर ब्लाइंड क्या प्यारा खेल लिया, क्या प्यारा पोजिशन होल्ड कर रहे हैं उन लोग। रेगल्टोस अभी भी हील बैटल करते हुए, आई थिंक रेगल्टोस शुड जस्ट मूव इनसाइड द जोन, पर अभी भी इसके पास काफी फर्स्ट एड है, तो आई थिंक ही वुड वेट फॉर द लास्ट फर्स्ट एड बिफोर मूविंग इन, क्योंकि साइको का ब्लाइंड पूरा उसमें स्पॉट लेके रखा है। तो आई डोंट थिंक, यस प्लीज, उनसे नॉक होते हुए डाउन टू द लास्ट टू टीम्स, 4 पीपल अलाइव, इट्स अ 3v1 सिचुएशन, क्रॉलर्स वर्सेस ब्लाइंड। एंड यहां पे क्या सांगवान अपने टीम के लिए निकाल सकता है, ये बात हमें पता चलेगा इस गेम के बाद। एंड आई एम वेटिंग टू सी कि क्या सांगवान, जो अपनी टीम के लिए 6 किल्स ऑलरेडी निकाल चुका है, क्या वो अपनी टीम के लिए ऐसे चिकन डिनर निकाल सकता है, क्योंकि मैं जितना इस प्लेयर को जानता हूँ, ही कम्स विद एक्सेलेंट स्किल सेट, एक्सेलेंट गेम प्ले, एक्सेलेंट एक्सपीरियंस, तो आई थिंक ये इसके लिए पॉसिबल हो सकता है। पर यहाँ पे राइट से आ चुका है, आई थिंक ये राइट से मरेगा, येस, बट जी जी ब्लाइंड कमिंग अप विद द चिकन डिनर। ओपी गाइस, वी हैव 17,000 पीपल वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.